हेलो हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिल्कुल बढ़िया। जो है आज का मौसम हो रहा है मस्त सा। तो जी गाइस, आज फाइनली इतने दिनों के बाद, मतलब जैसे मैं रूम से उठकर निकलती हूँ ना, तो कमरे में तो एकदम मतलब ठंडक होती है सुबह के टाइम, बट बाहर जो है ऐसे लगता है कि आग की भट्टी जल रही है। और आज मौसम इतना अच्छा था, जैसे ही मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में सारे गेट खोले ना, क्योंकि सबसे पहला काम ना मेरा यही होता है, उठने के बाद पहले मैं सारे डोर खोलती हूँ बैल्कनी के, अपने लॉन्ड्री एरिया के, और उसके बाद मैं जो है घर के कामों में लगती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी सुबह का मौसम अच्छा है, तो काम करने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना 4-5 दिन से तो इतनी गंदी गर्मी कि मैं सच्ची बताऊँ, मतलब बीपी इतना हाई या लो हो रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था, इतनी गंदी गर्मी, डिहाइड्रेट हो रही थी बॉडी, पसीने ही पसीने, और बस पानी की बोतल हाथ से छूट नहीं रही थी। और क्या होता है, जब मौसम थोड़ा बहुत ठीक होता है ना, तो काम करने का एक अलग ही आनंद आता है, मज़ा आता है कि चलो काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है, फिर तो ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं करना, अपना आराम से बैठो, कोई खाओ चाहे मत खाओ, मगर हम औरतों के लिए नहीं हो सकता ना, खाना भी बनाना ही पड़ेगा, कपड़े भी धोने ही पड़ेंगे, और गर्मी में तो इतने कपड़े हो रहे हैं जो मतलब दिन में तीन तीन चार चार टी शर्ट हो रही है बच्चों की, और लोअर हो रहे हैं, और इसीलिए इतने सारे कपड़े। तो सबसे पहले मेरा काम जो होता है, मैंने कपड़े ही सबसे पहले फटाफट फटाफट धोए। आ गई थी मैं जिम से, आने के बाद रसोई दिखाई मैंने आपको, जो कि मतलब थोड़ी सी मैसी हो रही थी, आज तो ज़्यादा नहीं थी, कल ज़्यादा कपड़े बर्तन हो रहे थे सिंक में। तो सबसे पहले ना, जो रात को थोड़े बहुत जैसे नाइट में बच्चे कुछ ना कुछ खा लेते हैं, 11 बजे के करीब जैसे सोते हैं ना, तो इनकी क्या है कि मतलब सोते सोते भी ना, बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये अपना फ़ोन में वीडियो देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, तो लेट सोते हैं और ना ये हमें सोने देते, तो 12-1 तो यूँ ही बज जाते हैं, इनकी बातें होती रहती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं दोनों की, फिर हार के हम ही कहते हैं इनके फ़ोन छीनो तभी जाकर जो है हम सो पाएंगे। तो वही होता है, जो थोड़े बहुत बर्तन थे तो सुबह उठते ही मान लेती हूँ, या एक आधा प्लेट प्लूट कुछ रह जाती है। वैसे तो मैं नाइट में पूरा रसोई चमका के, और ऐसे ही दिन में जब खाना वगैरह सारा बन जाता है ना, तो सारे बर्तन वगैरह साफ करके तभी सोती हूँ, क्योंकि अब जब भी हम रसोई में जाएं और हमें रसोई गंदी मिले, तो भाई काम करने का क्या ही मन करेगा, एकदम ना सिर चकरा जाएगा कि गंदा घर और गंदी रसोई देख के। तो इसीलिए अच्छा है कि जब भी हम सोते हैं घर का काम करने से पहले, तो रसोई को तो एक बार एटलीस्ट कम से कम चमका कर ही सोना चाहिए। तो अभी मैंने कपड़े धोए ना, उसके बाद मैं फिर घर की क्लीनिंग में अरबी की सब्जी बनाऊंगी। अरबी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, और बनाऊंगी आम पना। आमिया में नाइट में लेकर आई ना, तो मैंने परसों लेकर आई थी ट्यूसडे को मंडी से, और 1 किलो आमी लाई हूँ, क्योंकि गर्मी में ना आम पना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी, और 1 किलो आमी का मैंने अब सारा ही बना दूंगी, क्योंकि शाम को भी पी लेंगे, सुबह भी पी लेंगे बच्चों का, मतलब वो इतना टेस्टी लगता है दोनों को, तो वो पी लेते हैं दोनों के दोनों। तो मैंने अरबी भी बॉयल कर ली, आमी भी उबाल ली हैं, उनको ठंडा कर दूंगी, और या ना स्वीट कॉर्न लेकर आया था कार्तिक, और वो स्वीट कॉर्न भी बॉयल होने के लिए रखने हैं। तो भी सुबह सुबह इतने सारे काम हैं, तो भाई पहले यही लग रहा था कि मैं पहले किचन से पहले ना थोड़ा बाहर का जो मतलब एंट्रेंस एरिया वगैरह है सारा, ये सब चीज़ें साफ़ कर लूँ। और कल तो मतलब शाम को जैसे इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, तो सारे में धूल मिट्टी पूरे घर में हो रही थी, सुबह सुबह ऐसे लग रहा था ना, पैर जब ज़मीन पर रख रहे थे ना, तो एकदम किसर किसर सी लग रही थी। तो अभी मैं सबसे पहले सारी जो डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह यहाँ से काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सफाई का काम थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मेरे को फिर ये है, मैं किचन में जो भी टाइम मेरा लगेगा खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि आटा गूंदना है, अभी बहुत सारे काम है रसोई के, तो पहले मैंने यहाँ से जो है जो भी ये ड्राइंग रूम है, मम्मी जी का रूम है, इसकी डस्टिंग क्लीनिंग ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से।
जी यहाँ पे जो है 2 रूम की क्लीनिंग हो गई, और ये हॉल में ना जो रोज का मुझे गद्दा उठाना पड़ता है, बिछाना पड़ता है, तो ये सबसे ज्यादा ना आफत वाला काम मेरा हो चुका है। क्योंकि ना बच्चों को तो कह कह के मैं ना मतलब 50 बार मैंने इन दोनों को बोल दिया है कि तुम अपना जो भी ये गद्दे होते हैं जिस पे तुम सोते हो या ओढ़ने वाले कंबल हैं, इनको तय करके रखा करो, मगर मजाल है कोई सा भी जो है कि ये इनके कान पे जूं नहीं रेंगते। ये सब काम इन्होंने मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रखे हैं कि भाई ये काम तो मम्मी के हैं, तो भाई वही है कि जब नहीं करते तो फिर नहीं करते, मेरे को ही करना पड़ता है। हार के ना जब मैं इतना मतलब दुखी हो जाती हूँ ना इन लोगों से कह कह के मैं पक जाती हूँ, फिर लगता है कि चलो कोई मत करो मैं करूँगी, मेरा तो घर है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने सारे कंबल तय कर दिए हैं, और एक ना कंबल तय हो जाता है या बेडशीट ठीक हो जाती है उसके बाद ही जो कमरे की मतलब कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है। क्योंकि जब कमरे में सामान जब सारा फैला रहता है ना रूम के अंदर, तो ऐसे लगता है कि भाई मतलब आप चाहे जितना मर्जी फ्लोर क्लीन कर लो, मगर जब तक बेडशीट वगैरह सही से नहीं बिछ जाती या जो भी ओढ़ने वाले कंबल पड़े हैं या ये सारे सामान पड़े हैं, तो ये चीज़ें जो फैली रहती है ना, तो फैलारा जो कमरे में होता है ना वो सबसे बुरा लगता है मेरे को। तो मेरा मानना ये है जब तक अगर कमरा आपका डिसिप्लिन में नहीं है, चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं है अच्छे से, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर सुबह सुबह अपने घर को दे देते हैं, तो पूरा दिन आपका एक रिलैक्स वाला टाइम मिलने वाला है। तो चलिए इधर जो है सारी बेडशीट वगैरह कर दिया, और अब ना फटाफट से इस वाले रूम में भी जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है अभी रसोई में काम थोड़ा सा मेरा फैला हुआ है, क्योंकि सब्जी वगैरह तो कर दी थी मैंने, बर्तन भी मांज दिए थे, मगर ना फ्लोर क्लीन करना रह गया था। और क्या हुआ था, जैसे पानी हमारे यहाँ ना ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब पानी तो आ रहा है, गंदा पानी आ रहा था, तो मैंने पानी वगैरह भरा है, पानी की शॉर्टेज जब हो जाती है ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और मोटर हमारी में पता नहीं क्या हो गया, हवा ले रही है क्या ले रही है बहुत ज़्यादा, और पानी की शॉर्टेज रही है हमारी फ्लोर पे, तो अभी खारे पानी से ही सारा काम करना पड़ रहा है। और खारे पानी से काम करके ना मतलब ऐसा चिकना चिकना से लगता है ना, हमें आदत नहीं है खारे पानी से काम करने की, बोरिंग के पानी से, क्योंकि इस ज़्यादातर मीठा पानी यूज़ होता है हमारे यहाँ, तो इस वजह से। तो चलिए अभी जो है फिलहाल मैं आ गई रसोई में। रसोई में ना ये वाला जो मेरा कैबिनेट है ये थोड़ा मैसी सा हो रहा था, तो आप जब घर के काम करते हो तो ये चीज़ें फैली हुई दिखती हैं, तो भाई लगता ही है पहले इन्हें हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ना क्या होता है, ज़्यादातर जो ये मेरा किचन जो है मैसी, पता है कब होता है, जब हमारा जो मेरा बड़ा बेटा है कार्तिक, वो जब किचन में कुछ ना कुछ सामान उसने अगर ढूंढना है, कल परसों वो ना मैगी बनाने के लिए मैगी देख रहा था रात को 11 बजे, और जब हमारा सोने का टाइम होता है ना उसको लगती है भूख, वो शॉप पे से आता है अपने पापा के साथ, तो उसको मतलब कुछ लगता है कुछ बनाऊँ, तो सबसे ईजी और बेस्ट है 5 मिनट में मैगी बनती है, फिर वो सारे डिब्बों में मतलब देखेगा ढूंढेगा। और अभी तो हमारे मैगी खुद ही ख़त्म हो रखी थी, तो थी ही नहीं, मेरे को तो पता था, और मैंने उसको बोल भी दिया था मैगी है ही नहीं, तो जितना मर्जी ढूंढ ले इसके अंदर मैगी है ही नहीं। तो मगर बस बच्चों को आप समझा नहीं सकते ना, कितना मर्जी बोल दो, उसने फिर सारी जो है अपना डिब्बे वगैरह खोल खोल के देखे और कहीं नहीं मिली, मुझे तो पता था वो है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से, मगर उसने क्या था कि सारा सामान जो है उथल पुथल कर दिया था। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कैबिनेट क्लीन कर दी, इसके बाद में आ गई अरवी की सब्जी बनाने में, और यहाँ भी रसोई का काम रह गया था, मैं सोच रही थी शायद कर लिया मैंने, क्योंकि आप वीडियो अपलोड करते हो ना बनाते हो तो मतलब ध्यान नहीं रहता कि कौन सी क्लिप पहले बनी है बाद में बनी है। तो यहाँ पे अभी मैं जो है जल्दी से ये अरबी को छील लूँगी, अरबी मैं ज़्यादातर जब भी अरबी बनाती हूँ ना मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ अरबी, और बॉईल करी हुई अरबी जो होती है ना वो फटाफट से 1 मिनट में छिल जाती है, वरना हाथ से छीलो, एक तो हाथ मतलब कच्ची अरबी को छीलो ना तो फिर तो खुजली होती है एक तो बहुत ज़्यादा उंगलियों में, तो उससे आप बच सकते हो। अगर कभी भी आप भी कोई भी अगर लेडी है जो है अरबी की सब्जी बना रही हो ना, तो वो भाई सीधा बॉईल कर लो हल्की सी 1 सीटी में, तो बहुत आसानी से छिल जाती है। तो यहाँ पे अरबी मैंने छील ली है, और अरबी छीलने के बाद आज मैं अरबी सूखी अरबी बनानी है मैंने, और टमाटर मिर्च डालूंगी, और एक आधा जो है नींबू निचोड़ दूंगी उसमें। तो जी बस यहाँ मैंने अरबी छील ली थी, और अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ अरबी की कटिंग करती हूँ, अरबी काटनी है और अरबी को मतलब गोल 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 ऐसे ही काट लेना है मैंने, और बिल्कुल अच्छी अरबी जो है अरबी सॉरी निकली थी, क्योंकि इस मौसम की अरबी ना वैसे भी थोड़ी सी ठीक ही होती है ज़्यादातर, और ना एक जो आती है वो बहुत छोटी छोटी वाली अरबी होती है वो नहीं लाई थी मैं,
उसमें क्या होता है ना, उसमें जो है वो ज़्यादा सीटी लग जाती है ना, तो वो घुट जाती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी लंबी वाली लाई, एक सीटी लगाई थी और 2 मिनट जो है मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा तो बन गई। अब मैं साथ के साथ इस अरबी को जो है बना लेती हूँ। यहाँ मैंने मतलब सिल्वर की कढ़ाई रख ली है और 1.5 टमाटर इसमें डाला था, 1.5 टमाटर डाल के यहाँ अरबी की सब्जी बनेगी। और साथ के साथ ना ये जो मैंने मतलब आटा थोड़ा सा गूंद के रख लूँगी, क्योंकि 11 बज गए थे आई थिंक, और 11 बजे तक जो है कार्तिक भी जिम से आ जाता है, फिर वो ना सीधा खाना ही मांगता है मेरे से। तो पहले खाना वाना बना लेती हूँ, कई बार खाना बना लेती हूँ, बाद में पोछा लगाती हूँ, या बहुत बार जो होता है पोछा पहले लगा लेती हूँ, जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है। तो वैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए, इधर जो है मेरी अरबी की सब्जी बन गई है। अब जल्दी से जो है मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटे का डो लगा देती हूँ, क्योंकि आटे को भी ना गूंद के रखना पड़ता है, थोड़ा सा रेस्ट पे आटा जब छोड़ देते हैं ना, तो तभी जाके जो है पराठे हो गए, रोटियाँ हो गई, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। तो ये था आज का मेरा जो वीडियो है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ, जिम से मैं 8 बजे आ गई थी। 8 बजे के बाद मतलब कंटिन्यू मैं काम में ही लगी रहती हूँ, 1-1.5 बजे तक, 2 बजे तक, फिर 2 बजे नहा धो के जो है फ्रेश होके फिर खाना वगैरह खाती हूँ, तब आराम से सोती हूँ। तो ये अभी जो है जो मेरा रूटीन है वो यही चल रहा है। अब देखो स्कूल खुलेंगे ना डुगू के, फिर थोड़ा सा रूटीन में चेंज आएगा, तब देखो कैसे क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद लिया है और सब्जी भी मेरी जो है बन गई है। अच्छा, इधर मैंने एक कुकर में जो है स्वीट कॉर्न बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो ये स्वीट कॉर्न भी उस दिन कार्तिक की अपनी फरमाइश से लेकर आया था। तो बस अब इधर ये काम हो गया ना, और सिंक में थोड़े से बर्तन हो रहे थे, तो अभी बर्तनों को भी मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरा पोछे का काम रह जाएगा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल मिलूँगी। और अच्छा, एक ये गर्मी का काम जो सबसे मेन है ना, बोतल भरने का, ये मेरी जान को सबसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्या होता है पीने के लिए सारे जने हैं, फ्रिज में ठंडा पानी नहीं मिलेगा ना, तो मतलब सारे जने चिल्लाएंगे भाई बोतल में पानी नहीं है, भर नहीं सकते भर नहीं सकते, मगर भरने के टाइम तो कोई नहीं है। आप जहाँ टीवी देखेंगे ना, वहाँ दो दो तीन तीन बोतलें निकलती हैं इनकी।